नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन हम सब दिवाली पूजन करते हैं। भारतीय सभ्यता के अनुसार ये नव वर्ष होता है, फाइनेंशियल न्यू ईयर तो होता ही है। अब क्या चीजें हैं जो कि आप इस दिवाली करें जिससे कि अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के आठों स्वरूप जो कि जीवन के सारे स्वरूपों को कवर करते हैं, चाहे वो जय लक्ष्मी हो जो कि करेज देती है, वैभव लक्ष्मी हो जो कि धन और धान्य देती हैं, या संतान लक्ष्मी हो, उन सब की कृपा हम पे बनी रहे। देखिए, वैसे तो हर घर की कुछ प्रथा होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं, हर घर में पूजा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो वो तो आप ज़रूर से करें ही। पर आज जो मैं आपके साथ चीज़ें बताने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, वो सिंपल चीज़ें हैं और उनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और जैसा मैंने कहा, लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। सन 2020 और 2021 ये दो साल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल के साल रहे। हम सब ने हेल्थ के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया और हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, क्योंकि इवेंचुअली हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरे ख्याल से हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा धन है। तो इस धनतेरस आपने कुछ चीज़ें करनी हैं। सबसे पहली चीज़, जो आपके घर में दवाई का बॉक्स है या जहाँ पे आप दवाइयाँ रखते हैं, उस जगह पे देखिए जो भी दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं या एक्सपायरी के करीब हैं, उनको अपने घर से बिल्कुल दूर कर दीजिए। ऐसा करने से बीमारी चली जाएगी। दूसरी चीज़, धनतेरस वाले दिन झाड़ू ज़रूर खरीदिए। देखिए, दिवाली जो है वो बदलते मौसम में आती है, जब गर्मी से सर्दी आ रही होती है। इस समय जो है बहुत से कीटाणु, बहुत से जर्म्स, बहुत से वायरसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में डेवलप होते हैं। इसीलिए जो है ये जो लॉजिक है सफाई करने का, वो यही है कि जो घर की जब हम सफाई करेंगे तो घर में से जो भी कीटाणु हैं, जो भी जर्म्स हैं, जो भी वायरसेस हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, जिससे कि घर में बीमारी ना आए या बीमारी ना रहे। तो आप जो है नया झाड़ू लेके आएंगे और जो पुराना झाड़ू है जिससे कि हमने सफाई करी है, जिसमें कि जर्म्स और वायरसेस शायद रह गए हैं, वो जो है हम घर से दूर फेंक देंगे। इससे भी जो है बीमारी चली जाएगी। तीसरी, मैं आपको वास्तु की एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे, कि जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है, उसके बीच में अपना मेडिसिन बॉक्स या दवाइयाँ जो है वहाँ पे रखें। इससे आपकी डिपेंडेंसी दवाइयों पे जो है वो कम होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपने जो है धनतेरस वाले दिन करनी है फॉर गुड हेल्थ। अब हम बात करते हैं दिवाली पूजन की। तो देखिए, सबसे पहले होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस जो है वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, उसको अच्छे से सजाइए जिससे कि लक्ष्मी जी जो है अट्रैक्ट होके आपके घर में आए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बंधनवार ताज़े पत्तों का ही बनाएं, चाहे वो अशोक के पत्ते हों या आम के पत्ते हों, वो ही लें। हल्दी से और सिंदूर से, लाल सिंदूर से दरवाजे के या चौखट के दोनों साइड ओम लिखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं कि जी हमें जो है नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रुकावट बहुत आती है या टोक लग जाती है, तो उसके लिए क्या करें? तो इस दिवाली जो है आप थोड़ी सी फिटकरी लेके आएं, फिटकरी की डली होती है वो लेके आएं और उसको जो है चौखट के दोनों साइड रख दें नीचे ज़मीन पर, और पूरी रात उसको वहाँ रहने दें। अगले दिन सुबह, दिवाली के अगले दिन सुबह जो है उसको पानी में बहा दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, चाहे वो नज़र के फॉर्म में हो या टोक के फॉर्म में हो, वो जो है आपसे दूर चली जाएगी। अब बात आती है पूजन की। जब हम पूजा करते हैं तो हम नए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आते हैं। ये भी मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि जी हमारे घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति पहले से है, तो क्या हम उससे पूजा कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि हम नई लक्ष्मी गणेश की ही मूर्ति लेके आएं? देखिए, आप पुरानी मूर्ति से भी
पूजा कर सकते हैं, चांदी की पुरानी मूर्ति से जो है आप पूजा कर सकते हैं, पर उसके लिए आपने सुबह के समय में जो है वो मूर्तियाँ निकाल के अच्छे से उनको साफ करना है, उनको साफ जगह पे रखना है और फिर जैसे कि नई मूर्ति लाए हैं वैसे ही उनको विराजित करना है। तो पुरानी लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्ति है उसको आप एक पतीला लें या एक परात लें और उसमें उनको जो है पानी भर के उनको जो है उसमें विसर्जित कर दें और वो जो पानी है वो आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। तो आप जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो नई मूर्ति है उसको अपने पूजा के स्थान पर विराजित करिए। अब जो पूजा के स्थान पे जो आपने कपड़ा बिछाना है वो जो है सिल्क का हो तो बेहतर होता है। देखिए हमारे यहाँ सिल्क के कपड़े को बहुत ऑस्पिशियस शुभ माना गया है। साउथ इंडिया में तो ये कस्टम भी है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सिल्क के ही कपड़े पहने जाते हैं। जो लेडीज़ हैं वो सिल्क की ही साड़ी पहन के पूजा करती हैं। तो यदि सिल्क का कपड़ा हो तो बेहतर है, नहीं तो आप वेलवेट या शनील जो है वो उसका भी कपड़ा ले सकते हैं या सैटिन का भी कपड़ा ले सकते हैं, क्योंकि सिल्क जो है वो वैभवता यानी कि लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लग्जरी की देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। जो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे मूर्ति हो या फोटो हो, उसमें लक्ष्मी जी जो हैं वो बैठी हुई पोजिशन पर ही होनी चाहिए। देखिए जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो या शादी हो, हम भगवान को निमंत्रण देते हैं कि वो हमारे यहाँ आके विराजित हो, हमारे साथ पूजा में बैठें। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्मी जी जो है वो बैठी हुई पोजीशन में ही होनी चाहिए। देखिए सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है। हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं कि हमें धन मिले, पर अगर हमें धन के साथ ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम धन का कैसे सदुपयोग कर सकेंगे ये हमें नॉलेज नहीं होगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है सरस्वती जी की भी पूजा करें जिससे कि हमें ज्ञान मिले, जिससे कि हमें डिस्क्रिमिनेशन का ज्ञान मिले कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे कि हम धन का सदुपयोग ही करें, दुरुपयोग ना करें। लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है। उल्लू ही लक्ष्मी जी का वाहन क्यों है? क्योंकि ये सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? उल्लू की क्या स्पेशलिटी होती है? वो जो है रात में अंधेरे में देख सकता है। हमारे आपके बीच में, हमारे आपके अंदर जो अंधकार है वो हटे। अंधकार कैसे हट सकता है? अंधकार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो अज्ञान को रिप्रेजेंट करता है और ज्ञान ही है जो उस अंधकार को हटा सकता है। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है और करनी भी चाहिए। अब जो पूजा का स्थान है उसके ऊपर जो है एक पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते पे लाल सिंदूर से श्री लिखिए। श्री जो है वो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। उसके ऊपर एक सुपारी लगाइए, सुपारी पे भी तिलक जरूर करें। अब जैसे मैंने कहा दिवाली है तो हम सब चाहते हैं कि धन की वर्षा हो। अब धन की वर्षा तो ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान से धन गिरने लगेगा। धन की वर्षा हमारे घर में किस रूप में हो रही है, यानी कि हमारे घर में धन किस तरह से आ रहा है, किस फॉर्म से आ रहा है, हमें उसको ध्यान रखना है। तो हमारे घर में धन जो है वो हमारे प्रोफेशन के थ्रू आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप जो है लॉयर हैं तो आपके यहाँ धन की वर्षा जो है आपके लॉ के काम के थ्रू हो रही है, या आपका जो है खाने पीने का काम है तो आपके यहाँ धन की वर्षा जो है आपके फूड बिजनेस से हो रही है। तो पूजा के स्थान पे आपने जो है, या आपका अगर होटल का काम है तो आपने कुछ अन्न के दाने जो है वो लेने हैं, एक लाल कपड़े की पोटली बनानी है और उसको पूजा के स्थान पर रखना है। या मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि आप जो है लॉयर हैं तो आपके जो प्रोफेशन जो है वो आपके नॉलेज से बढ़ता है, तो आप जो है ज्ञान की देवी सरस्वती की जो है क्या कहते हैं मूर्ति या पूजा चित्र रख सकते हैं, या अपनी कोई लॉ की किताब भी पूजा के स्थान पे रख सकते हैं। मान लीजिए आप डिज़ाइनर हैं, आपका कपड़ों का काम है तो आप कोई कपड़े का टुकड़ा जो है वो पूजा के स्थान पर रख सकते हैं।
आप बिल्डर हैं या आपका प्रोफेशन जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो आप साफ मिट्टी लेके आएं, उसको एक पोटली में बांधें और उसको पूजा के स्थान पे रख दें। अगर और कुछ नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा आपके को लगता है कि आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है, तो इन दैट केस आप अपना विजिटिंग कार्ड जो है वो लाके पूजा के स्थान पे रख दें। जब पूजा आपकी हो जाएगी, तब ये जो विजिटिंग कार्ड है आपका, ये अपने पूजा ऑफिस में या पूजा की जगह ऑफिस में वहाँ पे रखें। जो मिट्टी है वो भी अपने ऑफिस में रखें, जो मैंने जैसे बताया कि यदि आप बिल्डर हैं तो, यदि आपने अनाज की पोटली बनाई है तो वो अनाज जो है अपने घर के अनाज में मिक्स कर दें। ऐसा करने से आपके घर में जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड पैसा आएगा। इसके अलावा कौड़ियाँ, लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत प्रिय हैं, कौड़ी को भी जो है हम पैसे से लिंक करते हैं। कहते हैं ना, कौड़ियों के भाव मिल गया, कौड़ियों के दाम बेच दिया। तो इस दिन जो है आपने बाज़ार से साफ सुच्ची कौड़ियाँ खरीदनी है। कौड़ियाँ जो है या तो 7 नंबर हो, मतलब 7 कौड़ियाँ हो, या 9 कौड़ियाँ हो, या 11 हो, तो इनका जो नंबर है कौड़ियों का वो या तो 7 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए। तो इन कौड़ियों को भी जो है पूजा के स्थान पर रखें, इनको भी पूजा का एक हिस्सा बनाएं। उसके अलावा यदि आप पूजा की जो मिठाई है अगर आप घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप बाज़ार से ला रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ये कोशिश करें कि जब आप पूजा की जगह को तैयार कर रहे हैं या पूजा की सामग्री को तैयार कर रहे हैं या लगा रहे हैं, तो घर के हर सदस्य का उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बच्चे हैं तो उनसे आप कहिए कि वो द्वार पे ओम लिखें, या घर के जो बूढ़े हैं उनसे आप कहिए कि जी दीपक लेके आए, दीपक में घी वो डालें। कहने का तात्पर्य ये है कि घर का हर सदस्य जो है इस पूजा के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। जो दिवाली पूजन पे जो दिया होता है वो 4 मुख का होना चाहिए, 4 मुखी दिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। हमें चारों तरफ खुशहाली चाहिए, चारों तरफ तरक्की चाहिए, जीवन के चारों पहलू कहते हैं ना, चारों पहलुओं में, तो चारों पहलुओं में हमें खुशहाली चाहिए। तो जो दिया है वो 4 मुखी होना चाहिए। कोशिश करें कि दिया जो है रात भर जलता रहे। दिए में जो है छोटा सा कपूर का टुकड़ा ज़रूर डालें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने पूजा के समय में करनी है। ये सब करने से आप देखिएगा किस तरह से लक्ष्मी जी जो है अट्रैक्ट होती है। उसके बाद जिस तरह से आपके घर में पूजा होती है आप वो करें। यदि आपको वो नहीं पता है और आप लंबी चौड़ी पूजा नहीं करना चाहते, तो आप 108 नाम लक्ष्मी जी के ज़रूर लें और श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करें। श्री सूक्तम का जो पाठ है वो 11 बार उसका जो श्लोक है वो ज़रूर पढ़ें। इससे देखिएगा लक्ष्मी जी जो है ज़रूर प्रसन्न होंगी। इसके अलावा अगले दिन ये सारी चीज़ें जो हैं आपने पूजा के स्थान पे जो मैंने आपसे कही थी रखने के लिए वो आपने रखनी है। अगले दिन जो है आपने वो जो कौड़ियाँ हैं वो वहाँ से उठा के अपने लॉकर में, अपने सेफ में, या जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे आपने रखनी है। इससे जो है आपके यहाँ पैसे की वर्षा, धन की वर्षा जो है वो आपके काम के फॉर्म में होगी। आपका काम जो है बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगी, तरक्की होगी तो पैसे भी आपके घर में आएंगे। इसके साथ साथ दिवाली की रात में आपने कोई ना कोई विश, कोई ना कोई इच्छा जो है जो आपके मन में है वो आपने करनी है, कोई ना कोई संकल्प आपने जो है वो लेना है। उसको आपने एक सफ़ेद कागज़ पे लिखना है और वो कागज़ जो है आपने वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, जो कि मैनिफेस्टेशन की दिशा है, वहाँ पे जो है आपने रखना है। और जब वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो वो कागज़ जो है आपने अपने गमले में रख देना है। वो कागज़ जो है गमले में पेड़ के रूप में, आपकी इच्छा के रूप में आपके सामने हमेशा रहेगा। आपकी इच्छा जो है वो फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल हैं और आसान हैं और आप सब आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप इस दिवाली फॉलो करेंगे
तो देखिएगा किस तरह से जो है अष्टलक्ष्मी की कृपा आप सब पे, आपके पूरे परिवार पे साल भर बनी रहेगी। इस साल दिवाली 4 नवंबर को है और पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 6:05 से लेके रात को 8:10 तक का भारतीय समय के अनुसार है। आप यदि किसी और देश में रहते हैं तो आप उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लें और इस समय ही पूजा करें। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार।